Okay students, today we will study about graph of x square. Okay, एक function fx is equal to x square ले लेते हैं बेटा. Okay, अब इसके graph के बारे में हम discuss करेंगे. किस तरह हम इसका graph बना सकते हैं, इसकी domain, जो ये function है, इस function की domain और range क्या होंगी, इसके बारे में हम discuss करेंगे. Is that clear? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं. इसको मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं. ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां पे मैं इसके पॉइंट पे फिल करूंगा. माइनस टू रखू तो आंसर कितना होगा बेटा, माइनस टू का स्क्वायर पॉजिटिव फोर. माइनस वन इनपुट किया मैंने तो इसका स्क्वायर कितना, माइनस वन का स्क्वायर वन. जीरो पुट किया तो आंसर इज जीरो. वन पुट किया तो आंसर इज वन, और टू पुट किया तो आंसर इज फोर. ऐसे ही बहुत सारे रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब जो ये पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ग्राफिकल फॉर्म में. और दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व की फॉर्म में बनेगा. राइट है, देखते हैं. ये x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y डैश. ओके, अब यहां से हम ये ओरिजिन, दिस इज वन, दिस इज टू, माइनस वन, माइनस टू, माइनस वन माइनस टू वाई में, और ये वन टू थ्री फोर, ये नंबर मैंने इंडिकेट किए हैं. आप इसके बाद यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, माइन वन रखेंगे तो वन जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो, इट मीन्स जो ये ग्राफ है ओरिजिन को पास करके जाएगा. ओके, तो वन पे वन, वन पे वन, ऐसे टू पे क्या जाएगा बेटा, फोर. टू पे जाएगा फोर, माइनस वन पे, माइनस वन स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन का जो ग्राफ बनेगा वो प्लस वन पे. ऐसे ही माइनस टू का प्लस टू पे जाएगा, प्लस फोर पे, सॉरी माइनस टू का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस का फोर. राइट, तो यहां से जो ये ग्राफ बनेगा बेटा, ये ग्राफ कर्व फॉर्म में बनेगा, मैं पहले कह चुका हूं इस तरह. दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एक पैराबोलिक फॉर्म है. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर. अब ये ग्राफ देखो यहां नीचे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वाई की, जो मतलब रेंज है, वो नेगेटिव में आ ही नहीं सकती. एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता, इसलिए ग्राफ ये नीचे नहीं जाएगा, ये ओरिजिन से ऊपर ऊपर, एक्स एक्स से नीचे नहीं आएगा, एक्स एक्सिस और ओरिजिन से ऊपर ऊपर ये बनेगा. ये देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट, इसकी डोमेन रेंज के बारे में बात करते हैं. डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, इसकी डोमेन हो जाएगी कितनी, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं. मैंने बताया था ना, डोमेन वो वैल्यूज होते हैं जो उस फंक्शन को नॉट डिफाइन ना बनाए.
ठीक है ना, ऐसी वैल्यूज होती है x की जिससे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन को 10 ना हो, राइट। तो ऐसी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे x स्क्वायर में, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। तो जब ऐसी बात होती है तो डोमेन क्या होती है उसकी, ए रियल नंबर। डोमेन क्या है इसकी, एक रियल नंबर, ओके। डोमेन तो इसकी एक रियल नंबर हो गई। अब रेंज के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज रेंज। रेंज देखिए, रेंज क्या हो सकती है इसकी, बताओ। रेंज देखना ध्यान से, यहां पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, बट इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, जीरो भी आ गई, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, मतलब आएगी तो रियल नंबर बट नेगेटिव रियल नंबर कभी भी नहीं आएगी इसकी वैल्यू। तो हम इसकी जो रेंज लिखेंगे, इसकी रेंज लिखेंगे हम, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव रियल नंबर। अब जीरो को आप किस दिमाग में प्रॉब्लम, मतलब आप कंफ्यूजन रह सकता है कि भाई जीरो तो नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं है, बट जीरो इज नॉन नेगेटिव नंबर, इसलिए जीरो को क्या माना जाता है, पॉजिटिव नंबर माना जाता है। इसलिए आर पॉजिटिव में, आर पॉजिटिव में मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो को भी हम इंक्लूड करते हैं, जीरो को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। आप इसकी रेंज ऐसे भी लिख सकते हो इंटरवल फॉर्म में, जीरो से इंफिनिटी, इस तरह भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब भी आर पॉजिटिव नंबर है और इसका नंबर भी आर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स स्क्वायर का है और ये पैराबोलिक फॉर्म होती है, पैराबोलिक फॉर्म होती है ये, ठीक है ना, कर्व के फॉर्म में बनता है, जितने भी पॉलीनोमियल ग्राफ होते हैं पर इसमें कर्व के फॉर्म में। इज दैट क्लियर। डोमेन रेंज रियल नंबर, डोमेन हो गई, और कैपिटल पॉजिटिव आर मीन्स इंक्लूड भी, इसमें जीरो भी इंक्लूड है, तो जीरो से क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।